एसपी चक्रेश मिश्रा ने कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के लिए संभल के चौधरी सराय चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने सादे वस्त्रों में गांधीगिरी दिखाते हुए मास्क न लगाने वालों को गुलाब का फूल देकर मास्क वितरित किए। साथ ही मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके चालान भी काटे। इस दौरान जब बच्चे मास्क लगाए हुए नहीं मिले तो उन्हें रोककर गुलाब का फूल और मास्क वितरित किए। सड़क पर निकलने से पहले हिदायत दी कि मास्क लगाएं और ज्यादातर घर में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, सैनिटाइजर का यूज करें। अरे तुम भी मारो। अरे रुको। उड़ ये कितनी तेज आवाज चल रही, सबका उड़ा जा रहा है, उसका भी नहीं लगा। क्या नाम है तुम्हारा? नवाब अली इनका नाम है और ये कोरोना फूल है। एक हिंदू दे दो सर। उड़ गया तुम्हारा भी, उड़ गया। आराम से आराम से। क्या नाम है तुम्हारा? सर उड़ गया तुम्हारा ये मास्क का भी। आप नहीं करेंगे आगे। अच्छा फूल जो दिया अभी किसने दिया आपको? सर ने दिया था। कप्तान साहब है सर, तो क्या मानते फूल को इसको? प्राइवेट में हम लोग निकल के ये चेक कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पर मास्क का कितना पालन हो रहा है, तो ये खुशी की बात है कि लगभग 80% लोग मास्क लगा रहे हैं। इनमें से जो लोग नहीं मास्क लगा रहे थे उनको आज मास्क वितरित किया गया है, उनका 1000 रुपये का चालान किया गया तथा साथ में उनको एक फूल दिया गया है, जो हमारी तरफ से इस बात की उनको नसीहत देता रहेगा कि उनको कोरोना के टाइम में कोरोना फूल नहीं बनना है, उनको दिमाग लगाकर अपना जो कोरोना की महामारी है इससे बचना है, अपने परिवार को बचाना है। तो ये संदेश मैं सभी संभल वासियों को देना चाहता हूँ कि पुलिस का सहयोग करें और कोरोना की इस महामारी से जो हम लोगों की लड़ाई है इसमें हम सभी का, पूरे समाज का सहयोग करें। सर धन्यवाद। मेडिकल स्वामी की वजह से वो मेडिकल स्वामी दवाई बैठे हैं। मेडिकल की एक शॉप थी जिसमें जो दुकानदार थे वो मास्क नहीं लगाए हुए थे, तो इनका भी चालान किया गया है और इनको हिदायत दी गई है, क्योंकि मेडिकल की शॉप पे लगातार लोग आते रहते हैं, तो इनको मास्क लगा कर ही लोगों को अपनी खरीदारी